हामी यस्तो त हो नि ब्रो, जेले यस्तो त हो नि हौ। नमस्ते नेपाल, अनि के छ हाल खबर मेरो नेपाली साथीहरूको। आम आशिष एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल द वेब चौक। आज हम करने वाले वीटन के एक नए सॉन्ग पे रिएक्शन। सॉन्ग का नाम है गल्ली सड़क। और मैं आपको बता दूं, जो वीटन है ना, काफी फेमस नेपाली रैपर है और काफी हिट है इस टाइम पे, और मुझे जो बहुत पसंद है, मैं काफी फॉलो करता हूँ इनके गाने को। और जो मेरा फेवरेट पर्सनल फेवरेट जो गाना है, वैसे तो सारे गाने अच्छे हैं, बट जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है हम ही अस्तो तो हनी ब्रो, जले अस्तो तो हनी हो, ठीक ठाक अपना पार। अब इससे आगे नहीं आता मेरे को कि लिरिक्स धीरे गा रहे छमलाई। अब आपके लिए तो इजी हो सकता है, पर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, पर मैं समझता हूँ पूरा। मेरे को ना, मैं बुझ छु नेपाली बोलने में, अहिले चाहिँ मलाई गाह्रो लाग्छ मतलब कन्वर्सेसन करने में, क्योंकि मैं हर साल दसैँ तिहार नेपाल में मनाने आता हूँ। मेरी जो मम्मी है, जो मदर है, वो नेपाल से है, और जो मेरा फादर है वो हिमाचल प्रदेश इंडिया से है ना। तो मैं जो मोस्टली मेरा जो दसैँ तिहार होता है वो नेपाल में होता है। एक महीना आराम से गुजार के जाता हूँ। मेरे को ना काफी अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद, जो जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं दसैँ तिहार में, मजा आ जाता है, कसम से बता रहा हूँ। आई जस्ट लव इट। यहाँ की जो वाइब है ना वही अलग है भाई, मजा आ जाता है। तो ये था थोड़ा बहुत मेरे बारे में। और हाँ, अभी मैं एक और चीज बता दूँ, जो हमारा जो चैनल है द वेब चौक, ये इस पे आपको ढेर सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। अभी आप हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने अभी लेटेस्ट में ही मुकबान चैलेंज किया था अपने भाई के साथ। मैं जो हूँ इंडिया से हूँ, वो है नेपाल से, तो इट्स लाइक इंडिया वर्सेस नेपाल मुकबान चैलेंज। तो हमने 3x स्पाइसी रामेन का चैलेंज किया था, काफी फनी वीडियो बना था, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। उसका भी लिंक मैं दे सकता हूँ आपको नीचे या ऊपर, ना कहीं तो लिंक दे दूंगा मैं, वो भी आप चेकआउट करना। और अब शुरू करते हैं वीटन के गाने पर रिएक्शन, तो चलिए शुरू करते हैं। विजुअल्स वाई जेम्स लामा। ओके, ट्रैप नेपाल म्यूजिक इज इन एसोसिएशन विद चिल हाउस रिकॉर्ड्स। ओके, हियर वी गो, आई कैन सी वीटन। एक और चीज, मेरा ना बी और बी में बड़ा फर्क, मतलब इसमें ना मेरे को ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो अगर मेरे से मिस्टेक हुआ होगा ना तो माफ कर दें, क्योंकि मेरे से ना बहुत मुश्किल होता है बी और बी बोलना, वी और वी बोलना। They killed my family, इसके बाद तो पढ़ा ही नहीं गया, टीच गया। ओके, गली सड़क, हियर वी गो। ओके मतलब तो कहते ना आग लगा दी है, मतलब शुरू से लेकर अभी तो, मतलब जो फ्लो गया ना भाई रैप का, और बीट्स, मतलब और VFX भाई सब जबरदस्त, अभी तक मतलब मजा आ गया देख के। वो कहते ना विजुअल ट्रीट, मजा आ गया।
लाग्दैन यो कुरा सम्झिराख्न छोडिसके मैले गाँजा पुग्न गोटी च्याप्न तँलाई कसले खोजिरहेछ ब्रान्ड खान्छ तर किन बेसी बोलिरहेछ अपराधी सरकारले पाल्याछ भात खुवाउँदै मजाले राख्या छ बिग्रेको समाजको दोष मेरो टाउकोमा खनाउँदै हाल्या छ के गर्न खोजेको थाहा छैन जेल हाल्छ मलाई समातेर के फाइदा छ र मलाई यहाँनिर बिग्रिसकेको यो समाज बिगारेर मेरो टाउकोमा लागेछ दसवटा केस मलाई मन पर्दैन त्यो गाडा निलो कलरको ड्रेस मेरो जिन्दगी खाते जस्तो भाछ सक्सेस भने मुझी हेर आफ्नै घरमा डर लाग्छ आजकल समस्या हुँदैछ धेर हेर सपनाहरू धेरै छ नि जान दिन नहुन्न खेरै पनि काम छैन यहाँ लाटा जस्तो बाल्ल पर्दै हेरेर नि लक्ष लक्ष्यको धेरै नजिक हुनेछ अवश्य तेरो नै जित जाइहरूले के गरेछ छ भाइ त्यो इतिहासलाई तँ हेरेर सिक्छौ गर्न खोज्छ यहाँ राम्रो काम चाहिँ नजान्छ तेरो बानी बेहोराले यहाँ सब कुरा फरक पार्छ जब हान्न थाल्छु ऱ्याप एक्कासी रगत चाट्छ किनकि मेरो कहानीको सुरुवात हो गल्ती र सडकबाट ओ भाई ये होता है रैप भाई कसम से बीटन ने आग लगा दी जो शुरुआत हुई ना जो करना खोचे यहाँ राम्रो काम तो नर्क जान चाहे वहां से लेकर जो एंड तक का पार्ट था ना भाई जो रैप फ्लो था ना भाई कसम से आग लगा दी जो विजुअल ट्रीट थी VFX था भाई जो ड्रोन शॉट से मजा आ गया भाई देख के ये होता है म्यूजिक वीडियो रैप म्यूजिक वीडियो मजा आ गया कसम से और अभी तो आई थिंक नेपाल का म्यूजिक वीडियो भी काफी अच्छा अच्छा आने लगा है और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ देखो मैं इंडियन हूँ बट मेरे को नेपाली समझ में आती जिनको नहीं समझ में आती ना नेपाली वो कितने बदकिस्मत है सच में यार कसम से यार उनको पता चलेगा द रियल मीनिंग ऑफ रैप अगर वो ये सुन लेंगे भाई नेपाली रैप मैं ये नहीं कहता कि इंडियन रैप अच्छा नहीं है इंडियन रैप भी अभी निखर रहा है अच्छा आ रहा है क्योंकि जैसे गली बॉय से शुरू हुआ सिलसिला रैप का मतलब उससे पहले भी होता था बट ना कोई ध्यान नहीं देता था रैप पे अब भी ज्यादा ध्यान देने लगे इंडिया में भी रैप पर बट नेपाल में ना काफी टाइम से मतलब मैं आता जाता रहता हूँ नेपाल में तो मुझे पता है कि नेपाल में काफी टाइम से रैप कल्चर फेमस है यामा बुद्धा हो गया लाउरे हो गया यूनिक पॉइंट हो गया अभी बहुत है एक तो मेरे को एक गाना बड़ा पसंद है ये बुड़ी ममा चेनी के साली बुड़ी तर माया तिमले निके कछु बुड़ी तोपता नी आकाश मोड़ी उड़ी 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 बस इससे ज्यादा नहीं गा सकता क्योंकि आवाज खराब है और मैं आपका कान खराब नहीं करना चाहता तो इसीलिए तो ये बात है कि देखो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि जो इंडिया जो नेपाल का रैप है और जो इंडिया का रैप है ना उसमें ना नेपाल का रैप हाई है बहुत हाई है मतलब इंडिया का रैप है बट नेपाल का रैप बेटर है इंडिया के रैप से और यहाँ के आर्टिस्ट अच्छे हैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ भाई तो ये था मेरा रिएक्शन इस म्यूजिक की वीडियो के ऊपर अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें अच्छा चलता हूँ दुआ में याद रखना बाय बाय फ्रेंड्स।